नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास चर्चा सवाल तो पूछेंगे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नुसरत परवीन सिद्दीकी। मध्य प्रदेश सरकार ने फिजूल खर्ची रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार के जारी निर्देशों के मुताबिक शासकीय स्तर के सेमिनार 5-स्टार होटल में आयोजित नहीं कराए जाएंगे। नए वाहन और उपकरणों की खरीदी पर भी सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा दी। इसके अलावा वित्त विभाग ने विभागों को ये भी कहा है कि केंद्र के सहयोग से चलने वाली योजनाओं में 100 करोड़, राज्य के स्कीमों में 25 करोड़ से ज्यादा की राशि बिना वित्त विभाग के मंजूरी के ना निकाली जाए। 2 लाख करोड़ के कर्ज में डूबे प्रदेश में फिजूल खर्च रोकने की कवायद कितनी कारगर साबित होगी, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए हमारी रिपोर्ट। फिजूल खर्च रोकने को लेकर कमलनाथ सरकार का बड़ा फैसला। शासकीय स्तर के सेमिनार 5-स्टार होटलों में नहीं होंगे आयोजित। नए वाहनों उपकरणों की खरीदी पर पूरी तरह रोक। वित्त विभाग की अनुमति के बिना नहीं होगा 25 करोड़ से अधिक का भुगतान। मध्य प्रदेश सरकार ने फिजूल खर्च रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार के जारी निर्देशों के मुताबिक शासकीय स्तर के सेमिनार 5-स्टार होटलों में आयोजित नहीं कराए जाएंगे। नए वाहन और उपकरणों की खरीदी पर भी सरकार ने पूरी तरह रोक लगा दी है। वाहनों और दफ्तरों से जुड़े उपकरणों की खरीदी रोकने के साथ साथ वित्त विभाग ने ये भी साफ कर दिया है, मंगलवार से पहले अगर खरीदी हो गई है तो आदेश जारी होने के 7 दिनों के बाद भुगतान पर प्रतिबंध रहेगा। अधिकारी 5-स्टार होटलों में सेमिनार, वर्कशॉप, सरकारी कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा वित्त विभाग ने विभागों को कहा है, केंद्र के सहयोग से चलने वाली योजनाओं में 100 करोड़, राज्य की स्कीमों में 25 करोड़ से अधिक देयक होने पर बिना वित्त मंजूरी के राशि न निकाली जाए। कांग्रेस पार्टी जब भी सरकार में आती, जब भी सत्ता में आती, केंद्र में आए, राज्यों के अंदर आए, हमेशा लीकेज पे रोक लगाने का काम करती है, जिससे कि जनता को फायदा पहुंच सके, ना कि सरकार के आयोजनों में। पिछली सरकार जो रही यहाँ 15 साल में, वो अपना चेहरा चमकाने के लिए न्यूयॉर्क के चौराहे तक के ऊपर, अमेरिका के चौराहों तक पर उसने अपना प्रचार प्रसार किया। ये सरकार जनता के लिए है और जनता की गाड़ी कमाई का उपयोग जनता के लिए होना चाहिए। जो जरूरत की चीजें हैं वो सरकार करेगी, जो योजनाएं पिछली सरकार ने ऐसी बनाई जो जरूरी नहीं है या उनकी कम जरूरत है, तो उनको मिलाकर करने का, जिससे कम खर्चा हो सके, जनता को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचे इस खराब मंदी के दौर में, आर्थिक मंदी के दौर में जो मोदी सरकार का दिया हुआ है। जब हमारे यहाँ कटौतियां चल रही हैं, हमारे अधिकारों को काटा जा रहा है, उस पैसे को काटा जा रहा है जो हमें मिलना है, तो ये ही निर्णय लिया जा सकता है सबसे अच्छा होता है। ये एक अच्छी सरकार की, सकारात्मक सरकार की पहचान होती है। बजट पेश करने से पहले सरकार ने फिजूल खर्च पर रोक लगा दी है। हालांकि पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगर विकास जैसे 8 विभागों को खर्च के लिए राशि में छूट दी गई है। गौरतलब है, सत्ता पर काबिज होते ही प्रदेश सरकार ने फिजूल खर्च रोकने के लिए कदम उठाए थे, जिसके तहत कार्यालयों की मरम्मत, कार्यालयीन सामग्री और अन्य सामग्री के लिए खर्च की समय सीमा तय की गई थी। गौरतलब है, जिस वक्त कांग्रेस विपक्ष में बैठी थी, तब फिजूल खर्च को लेकर बीजेपी पर हमेशा से निशाना साधा जाता था। उज्जैन में साल 2016 में कुंभ में कुल 5500 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ, ये आरोप उस वक्त विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने लगाया। इतना ही नहीं, इस आयोजन को लेकर पूर्व सीएम शिवराज पर सरकारी खजाने से खुद की ब्रांडिंग के आरोप भी लगे। ब्रांडिंग के नाम पर कांग्रेस ने 600 करोड़ खर्च करने के आरोप लगाए। प्रदेश सरकार ने मैग्निफिसेंट एमपी के आयोजन पर लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं भाजपा शासन के कार्यकाल में आयोजित समिट पर औसतन 70 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उस वक्त कांग्रेस ने दावा किया था, नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा के दौरान केवल आरतियों पर ही सरकारी कोष से 1.74 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वहीं वृक्षारोपण के नाम पर करोड़ों के वारे न्यारे के आरोप लगे। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश को लूटने की अति कर दी है। जिस दिन से कांग्रेस की सरकार बनी, उस दिन से फिजूल खर्ची की इंतहा कांग्रेस पार्टी ने की। उसके उदाहरण है कि सबसे पहले जिस में मंत्रियों के बंगले में मध्य प्रदेश में भाजपा के मंत्री रहते थे, और उन्होंने मंत्री का बंगला खाली करा, दूसरे दिन से उसमें काम शुरू करके करोड़ों के काम एक एक बंगले में कांग्रेस की सरकार ने कराए। जिस प्लेन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के रूप में घूमते थे, उसको रिजेक्ट करके नया प्लेन खरीदने की तैयारी हो गई। सबसे ज़्यादा इंतहा तो तब हो गई कि एक आईफा नाम का अवार्ड मध्य प्रदेश में कराया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई जो करोड़ों रुपये में खर्च करी जा रही है, कुछ लोगों का शौक पूरा करने के लिए अपने मंत्री, अपने कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के नेताओं को खुश करने के लिए जो करोड़ों रुपए आईफा में फूके जा रहे हैं, ये फिजूल खर्चे की श्रेणी में नहीं आता तो किस श्रेणी में आता है? अब जब कहने को
और दिखाने को जब जनता प्रश्न करने लगी कि बेटियों की शादी के 51,000 रुपये कब मिलेंगे और जो मेरिट में बच्चे आए उनको 25,000 रुपये कब मिलेंगे, युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता के 4,000 रुपये मिलने थे वो कब मिलेंगे, किसान का कर्ज माफ कब होगा, कर्मचारियों का 4% का डीए कब मिलेगा, तो सरकार ने एक नई नौटंकी शुरू कर दी कि हम फिजूल खर्ची बंद कर रहे हैं। तमाम फिजूल खर्ची करने वाली कांग्रेस की सरकार, ये सिर्फ जो कहते हैं ना कहावत कि हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत, वो ऐसी हरकत कर रही है। फिजूल खर्च पर रोक कितना कारगर साबित होगा इसका पता आने वाले वक्त में सभी के सामने आ जाएगा। देखना होगा मुद्दे पर जारी सियासी तीर कब तक जारी रहते हैं। डेस्क रिपोर्ट TNN। तो अब कमलनाथ की किफायत स्ट्राइक, इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ मेहमान शामिल हैं, उनसे तारुफ करवा दूं। हमारे साथ मनीष सक्सेना जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। देवदत्त दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है देवदत्त जी आपका। डॉक्टर राम पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत है डॉक्टर राम पांडे जी आपका। शुरुआत देवदत्त जी आपसे करेंगे, जिस तरह किफायत शारी की बात अब मध्य प्रदेश सरकार कर रही है और जो फिजूल खर्च है उन पर रोक लगाने की बात की जा रही है, अगले माह बजट की भी तैयारी है, कैसे देखते हैं आप, क्या लगता है आपको, क्या किफायत बेहद जरूरी है? जाहिर है मध्य प्रदेश के जो हालात है उसको लेकर किफायत पर भी सोचने वाली चीजें हैं, उसको सोचना जरूरी है, उसको लेकर जो सरकार अब पहल कर रही है या काम कर रही है, काम करना चाहती है, उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, बुजुर्ग भी कहते आए हैं कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारिए। तो जब ये सरकार बनी थी तभी कहा गया था कि इसको खाली खजाना मिला है, लेकिन बहुत सारे खर्चों पर सरकार को विपक्ष के हमलों का सामना करना पड़ा, चाहे वो मंत्रियों के बंगलों पे काम का मामला हो, चाहे आईफा अवार्ड हो, और भी मामले हैं। लेकिन अब जबकि सरकार वित्तीय वर्ष के उसमें फिर बजट पेश होना है अगले मार्च महीने में विधानसभा सत्र में, उसके पहले सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम फिजूल खर्ची पर रोक लगाएंगे, अन्यथा क्या होता है, नई सरकारें आती हैं तो नए नए आयोजन के बहाने, जैसे अभी राष्ट्रीय जल सम्मेलन हुआ तो ये बहुत ज़रूरी समस्या थी, लेकिन वो खुले मैदान में भी हो सकता था, उसके लिए बड़ी 5-स्टार होटल की ज़रूरत नहीं है। तो कई बार जो लोग रहते हैं जो सरकार के आसपास रहते हैं वो आयोजन के इतना एस्टीमेट बना देते हैं कि जितना उसको काम पे खर्च ना हो उतने उसके आयोजन और प्रचार प्रसार पे खर्चा हो जाता। पिछली सरकार में लगातार यही आरोप लगते रहे, चाहे वो नर्मदा यात्रा का हो, पौधारोपण का हो, या बड़े बड़े जो सम्मेलन होते थे यहाँ जम्बूरी मैदान में या कहीं भी पंचायती सम्मेलन होते थे, तो यही सब आरोप लगते रहे। और इस बहुत जगह है लीकेज सरकार में, जहाँ कई बार हम देखते हैं कि एक चौराहा बना और 2 साल बाद फिर उसको रिनोवेशन किया गया, फिर तोड़ के वो बनाया गया, फुटपाथ बना फिर उखाड़ा गया फिर बनाया गया, कभी सड़क बनाई गई फिर गड्ढे खोदे गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ फिजूल खर्ची रोकी जा सकती है। सरकार केवल उस चीज़ पे खर्च करे जो ठोस बुनियाद है, जो ठोस विकास के कार्य हैं। ये बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला कि लगातार आप खर्चे करते रहो, कर्ज लेते रहो। तो सरकार में बैठे जो मुखिया हैं बहुत अनुभवी हैं, केंद्र में लगातार 40 साल से वो मंत्री रहे हैं, विभिन्न विभागों में रहे, तो उनको ये अनुभव है कि कहाँ रोका जा सकता है। यदि उनकी इच्छा शक्ति रहेगी तो मुझे लगता है बहुत सारे खर्चों पर विराम लग सकता है। देर आए दुरुस्त आए, यदि अभी शुरुआत की है तो इसके परिणाम भी मिलेंगे। यदि ये शुरुआत से ही ये शुरुआत हो जाती खर्चों में किफ़ायत की तो हमें लगता है इतने सारे आरोप भी सरकार को सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन परिस्थितियाँ हैं कि वो गवाह नहीं कर रही कि आप कुछ खर्चा करें। लेकिन जो लोग गैर जिम्मेदार होते हैं वो कई बार कर्ज ले और घी पियो वाली स्थिति भी करते हैं कि कर्जा भी लेते जाएंगे, फिजूल खर्ची भी करते जाएंगे। अभी सरकार को तो वैसे करना है मित व्ययिता, जैसे एक परिवार बड़ा परिवार है और उसकी आय कम है तो वो छोटे छोटे कटौती करती है और उससे अपना बजट बनाती है, क्योंकि मंदी का भी दौर है, महंगाई भी तेज़ी से देश में बढ़ी है, तो इस हिसाब से खर्चों में इस तरह की जो बात की जा रही है किफ़ायत की जाएगी, तो क्या सराहना करते हैं आप इस काम को लेकर? क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं खर्च की बात कर रहे हैं, खजाना खाली की बात भी हम सुनते आ रहे हैं, चुनौतियां बहुत सारी हैं, ज़रूरतें बहुत सारी हैं मध्य प्रदेश की जनता के, जिसको पूरा करना, जो वचन दिया था उसको भी निभाना है उनको, तो इस तरह की जो कवायदे हैं, जो किफ़ायत
की जाएंगी, जो फिजूल खर्चे हैं उन पर रोक लगाई जाएगी, तो इसको लगता है कि सभी को इसकी सराहना करनी चाहिए कि जाहिर है इस तरह की चीज़ों पर रोक तो लगना ही चाहिए। फिजूल खर्च जो आयोजन होते हैं बहुत सारे जिनकी ज़रूरत नहीं होती कि उन पर बहुत सारा पैसा खर्च किया जाए, बिल्कुल इस पर सबको सराहना करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए और जो सरकार मंशा जाहिर करे उस पर वो अमल भी करे। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम है, इसमें कहाँ किसी को कोई दिक्कत है, बल्कि आम जनता कहती ही है कि देखो ये फिजूल खर्ची हो रही। जब भी ये बड़े बड़े आयोजन देखती, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग और जिस तरह से नेताओं के जन्मदिन पे खर्चा होता है, फिजूल खर्ची आयोजनों में होती है, 5-स्टार होटल में आप देखते हैं कि खाना भी फेंकता है, पानी की बॉटल भी सब, तो ये कहाँ कोई नहीं स्वीकारता, क्योंकि सबके पास ऐसा पैसा नहीं है इफरात में कि जो फिजूल खर्ची में कर जाए। सब उसी तरह से देखना चाहते कि सरकार फिजूल गए, तो मुझे लगता है कि यदि इस पर सरकार अमल कर पाएगी तो उसको बहुत बड़ा समर्थन मिलेगा और ये जरूरी भी है, प्रदेश हित में भी है, सरकार के हित में भी और जनहित में भी है। बिल्कुल, क्या कहेंगे डॉक्टर राम पांडे, आप क्या कहेंगे? जिस तरह देवदत्त दुबे जी ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, अब सोच लिया है कि फिजूल खर्ची पर रोक लगाई जाएगी, तो क्या लगता है इस पर, जैसा कि अभी सख्ती से बात की जा रही है, आगे भी इस तरह के जो फिजूल खर्च वाले आयोजन हैं उन पर रोक लग पाएगी? जी बिल्कुल लगेगी, और जैसा कि हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया ये नहीं होना चाहिए। तो पूर्ववर्ती सरकार में और वर्तमान सरकार में यही बेसिक अंतर है। पूर्ववर्ती सरकार के बारे में आपको पता होगा कि ये 26 अप्रैल 2000 की घटना है कि 24 पृष्ठ के न्यूज़पेपर में 23 पेज पर भारतीय जनता पार्टी ने विज्ञापन दिया था और एक जो 20 का पेज था 12 नंबर का उस पर संपादकीय छपी थी। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिजूल खर्ची कितने करती थी। और भारतीय जनता पार्टी के आयोजनों या सरकारी आयोजनों उसमें सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया जाता था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सरकारी कर्मचारियों तक का भी उसमें मिसयूज किया जाता था। मध्य प्रदेश में कोई भी कार्यक्रम आयोजित होता था तो अमेरिका इंग्लैंड तक में शिवराज जी की फोटो लगती थी, और जैसा कि नर्मदा यात्रा हो उस पर 33 करोड़ रुपया खर्च विज्ञापन पर कर दिया, सिंगस में 25 करोड़ रुपया तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यक्रमों में खर्च कर दिया और वो 500 करोड़ का घोटाला किया वो अलग किया। तो जो शिवराज सरकार और कमलनाथ सरकार में बेसिक अंतर, कमलनाथ जी का मैं बता दूं, आपने देखा होगा जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भी होर्डिंग बैनर पर पैसा खर्च नहीं करेगा। तो आपने देखा होगा पिछले एक साल में होर्डिंग बैनर नाके बराबर प्रदेश के अंदर लगे रहते हैं, सरकारी विज्ञापन भी नाके बराबर दिए जा रहे हैं। तो कमलनाथ सरकार की जो सोच है वो ये है कि आमदनी 1 रुपया और खर्चा 98 हो, जिससे जो पैसा बचेगा वो देश के विकास में काम आएगा, प्रदेश के विकास में काम आएगा। नहीं तो ऐसी व्यवस्था होगी जैसा कि आपने देखा, यदि हम फिजूल खर्ची करते हैं तो 150 रुपये का सिलेंडर आज ही बढ़ा दिया गया है। एक साथ 150 रुपये बढ़ाने का मतलब ही ये है कि जो केंद्र में जो सरकार बैठी है उसने फिजूल खर्ची की है, 6000 करोड़ से ज्यादा खर्चा विज्ञापनों पर कर दिया है, 2500 करोड़ से ज्यादा खर्चा विदेश यात्राओं पर खर्च कर दिया है। अभी जो दिल्ली चुनाव हुआ था एक मतदाता पर भारतीय जनता पार्टी ने 10000 रुपया खर्च किया है। तो जब फिजूल खर्ची होती है तो उसका असर आम जनता पर पड़ता है। आज एक मैं गैस सिलेंडर की बात कर रहा हूं, एक हर आदमी को 150 रुपये का गैस सिलेंडर महंगा पड़ रहा है। तो फिजूल खर्ची के बहुत बड़े दुष्परिणाम होते हैं और शिवराज सरकार की फिजूल खर्ची के कारण ही हमारे पास 2 लाख करोड़ का खर्चा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नहीं बताते कि 2 लाख करोड़ का कर्जा हमारे ऊपर क्यों हो गया था, ये उनकी फिजूल खर्ची का कारण है। और फिजूल खर्ची और भ्रष्टाचार दोनों साथ जुड़े हुए हैं, जहां जहां फिजूल खर्ची होगी वहां भ्रष्टाचार होगा, एक हाथ से पैसा जाएगा और दूसरे हाथ से पैसा वापस आएगा। तो फिजूल खर्ची जो होती है वो सरासर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, क्योंकि फिजूल खर्ची में 5 रुपए की चीज 25 रुपए में खरीदी जाती है या 25 रुपए वहां खर्च किए जाते हैं और वो पैसा दूसरे हाथ से भ्रष्टाचार के रूप में वहीं पहुंचता है। इसलिए फिजूल खर्ची का तो स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल मनीष जी, जैसे कि डॉक्टर राम पांडे ने कहा, इनका कहना है कि फिजूल खर्ची जो बीजेपी सरकार के समय हुई थी उसका खामियाजा भोगना पड़ रहा है कांग्रेस सरकार को, जिसको लेकर अब वो अलर्ट हो गए हैं और आगे फिजूल खर्ची ना हो उसके लिए कवायदे कर रहे हैं, ताकि जो बजट जो रहे वो मध्य प्रदेश की जनता के हित में और मध्य प्रदेश के विकास में लगाया जा सके। प्रवीण जी, कमलनाथ जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय, इन्होंने एक ढिंढोरा पीटा, जनता को गुमराह करने का जो प्रयास किया कि मध्य प्रदेश में अपव्यय हो रहा है, मध्य प्रदेश में फिजूल खर्ची हो रही है, मध्य प्रदेश में फलाना भ्रष्टाचार हुआ है,
परंतु आप ये देखेंगे कि उसमें आकर के जनता ने कमलनाथ जी को वोट दिया और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। बजट की प्रथम तिमाही नवंबर से हम फरवरी तक का आकलन करें, कमलनाथ जी ने बड़े बड़े वादे किए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फलानी जांच कराएंगे, फलाने भ्रष्टाचार का ये करेंगे। आज बजट की अंतिम तिमाही वाला समय चल रहा है, यानी 15वां महीना आज सरकार में इनको बैठे हो गए। इन 15 माह में आज दिनांक तक यदि ये एक भी घोटाले दिखा पाए तो हम मानेंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार ने, आज भी लोग जेल जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं। वो कार्रवाई हमारे समय की आपकी नहीं है, मैं आपके कार्रवाई की बात कर रहा हूँ। आप दूसरे की पीठ पे, दूसरे की पीठ पे बैठ करके आपको घोटाला, आप जब बोले पांडे जी मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, आप थोड़ा तन्मयता से सुने। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी जिसने आपके पाप को उजागर किया और व्यापक घोटाले को हमने पकड़ा है, हम स्वीकार करते हैं दमदारी से। अब आप सुनिएगा विस्तार। घोटाले एक बड़ा ये इन्होंने आरोप लगाया था, कमलनाथ जी ने जनता दरबार में जा जा करके कहते थे। आज बताएं 15 माह हो गए, किस घोटाले में जांच हुई है, कौन दोषी पाया गया, कोई नहीं, केवल सब्ज बाग। आप ये बोलते हैं कि इवेंट में खर्चा हुआ, इवेंट का आकलन आप करेंगे इन 14-15 माह का, तो आप वित्तीय वर्ष उठा करके देख लें, आप ये पाएंगे कि कमलनाथ जी की सरकार में ज्यादा खर्च हुए। एक इवेंट बताइए आप। मैं एक नहीं अनेक, आप केवल बात करते ना, बात तो यही है। आपके समय वित्तीय प्रबंधन इतना गड़बड़ा गया है, क्यों? कि वो कहते ना नाचना आए आंगन टेढ़ा, आप हमेशा नकारात्मक बात करेंगे। 2000 करोड़ है वो, शुरू से लेकर के आज तक इस सरकार में यदि किसी चीज का अभाव दिखाए तो वो केवल सकारात्मक सोच का अभाव दिखाए। यदि ये सकारात्मक सोच से काम करते तो आज मध्य प्रदेश में बेहतरी के जो प्रबंधन हमने किए थे, हमने बीमारू राज्य से निकाल करके एक विकसित श्रेणी में मध्य प्रदेश को लाने का जो प्रयास किया था, आज वापस ये सरकार में बैठने के बाद जो लूट इन्होंने मचाई है, तो क्या विकसित प्रदेश एक साल में ही बर्बाद हो गया? बिल्कुल, हमें तो लग रहा है। तो अब तो कह सकते हैं हम कि इन 15 माह में आपने पूरी अधोसंरचना को ही पलीता लगा दिया है। ऐसा क्या हुआ कि 2-2 माह हो गए कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहे? झूठ बोल रहे आप। अरे आप पता करें पांडे जी, आप झूठ मत बोलिए, लेकिन आपका समय जब आए ना आप झूठ बोलेंगे तो पांडे जी चले वास्तविक क्या, क्योंकि आप तो भ्रमित हो। चलिए, आपको पता ही नहीं है कि आपके द्वारा कितना पाप हो रहा है। चलिए आप बात करते हैं सुधार की। चलिए, आप कह रहे हैं कर्मचारियों को वेतन, उनका वेतन भत्ता उनको नहीं मिल रहा है लंबे समय से, क्या कहेंगे रामपाल जी? अरे इन्होंने तो BSNL के 80,000 कर्मचारी बाहर कर दिए, जेट एयरवेज बंद हो गया, एयर इंडिया को बेच रहे हैं, रेलवे को बेच रहे हैं, जो 70 साल में जो देश ने कमाई है। मध्य प्रदेश की बात करोगे आप? क्या कर रहे हो? ठीक है, इन्होंने तो आपको परिणाम दिखेंगे, आप चिंता मत करो। हिंदुस्तान की सरकार की पांडे जी, आप चिंता मत करो, स्वच्छ हाथों में, सुरक्षित हाथों में। आपके जैसे भ्रमित हाथों में जो किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है ना, युवा बेरोजगार ठगा हुआ महसूस कर रहा है ना, इसकी बानी बताए। अरे आप मध्य प्रदेश की बानी प्रस्तुत करेंगे? आप पर क्या हो? चलिए, मध्य प्रदेश की बानी प्रस्तुत करो, आप पर क्या हो? चलिए, ये तो इनका नाटक है। चलिए, अपने अपने समय पर फिर बोलिएगा सवाल। देवदत्त दुबे जी, दोनों ही पार्टियों की अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने इल्जाम हैं। राम पांडे जी का कहना है कि बीजेपी की सरकार के समय बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची हुई जिसका खामियाजा आज हमको भोगना पड़ रहा है, और इधर मनीष सक्सेना जी का कहना है कि इनके समय एक साल में ही इतना ज्यादा भ्रष्टाचार, इतना ज्यादा फिजूल खर्च हो गया है कि जिसको लेकर मध्य प्रदेश की जनता परेशान है। 2016 में एक किसान महासम्मेलन किया गया था, मुझे लगता है एक बड़ा आयोजन था, और अभी आईफा की अगर बात करें जिसको लेकर बीजेपी बार बार, विपक्ष बार बार सरकार को घेर रही है, कह रही है कि फिजूल खर्च है और जनता का पैसा है उसका नुकसान होगा। क्या लगता है इसमें फायदे की अगर बात करें तो प्रदेश सरकार कह रही है इसमें एक बड़ा फायदा प्रदेश का है क्योंकि निवेश की आमद की कहीं ना कहीं गुंजाइश दिखती है इसमें। देखिए, वो कोई भी लागत ठीक है कि उसका रिटर्न मिल जाए फिर, और ऐसी लागत का कोई मतलब नहीं कि जिसका फिर बाद में कोई रिटर्न ना मिले, क्योंकि इस प्रदेश ने बहुत भोगा है। कितने इन्वेस्टर मीट हुए पहले भी अभी भी, लेकिन रोजगार के कोई अवसर अभी तक रोजगार को कोई नहीं बता पा रहा, बेरोजगार को कि रोजगार दिया गया। तो ऐसे आयोजनों का क्या फ़ायदा जो केवल
एक समारोह के लिए कहे, बस आईफा अवार्ड ये कि भारत में दूसरी बार और मध्य प्रदेश में आईफा के अलावा एक बात और मैंने कही थी, 2016 में एक किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया था भाजपा सरकार के समय, एक बड़ा आयोजन था, 5 लाख किसान को इकट्ठा किया गया था, उस समय भी काफी खर्च, एक नहीं बहुत सारे आयोजन होते थे, सीएम हाउस में पंचायतें लगती थी और जम्बूरी मैदान में बड़े बड़े आयोजन होते थे, आपने हमने सबने देखा है, और मुख्यमंत्री भी प्रायः दौरे पर सुबह निकल जाते थे, किसी की संभाग में बड़े बड़े सम्मेलन होते थे, तो वो एक अलग पैटर्न था, इनका अलग पैटर्न है, ये बहुत कम जाते हैं, ये वल्लभ भवन बैठते हैं, बात इसकी नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, आप अंत तो गत्वा तो ये देखना कि हमें रिटर्न क्या मिल रहा है, जमीन पे क्या उतर रहा है, किससे फायदा हो रहा है, और आप कितना इन लोग भ्रमित रहेंगे और कितना भ्रमित करेंगे, अब जनता बहुत जागरूक हो गई है। हाल ही में दिल्ली के चुनाव हुए, दोनों दल बहुत कैडर बेस्ड पार्टी थी, आप बताओ एक तरफ अकेले केजरीवाल थे, एक तरफ प्रधानमंत्री गृह मंत्री कितने सारे नेता सांसद विधायक, लेकिन क्या हुआ, तो जो काम किया है काम का रिटर्न मिलेगा, वहाँ भी जब लोकसभा की बात थी तो 7 सीटें भाजपा को मिली, आप कहीं मत जाइएगा, यहाँ मध्य प्रदेश में कोई नहीं स्वीकारता था कि सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन जनता ने किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि छिंदवाड़ा मॉडल की तर्ज पे कमलनाथ प्रदेश का विकास करेंगे, तो जनता पूरा मूल्यांकन करती है, आप हम जो बोलते हैं और अखबार में पढ़ते हैं, ये गांव का आदमी पहले बता देता है, भाई आजकल वो इतना जागरूक हो गया है, वो बता देता है कि आपके कहने का आशय क्या है, या जब नेता कई बार कहते ना कि हम इसको मुद्दा बनाएंगे, तब वो हंसता है कि मुद्दा बनाएंगे, मुद्दा है नहीं, नहीं कितने मुद्दे बनाए और कितने हल हुए, तो बात इसकी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आप उसका फायदा क्या दे रहे हैं, खूब पैसे लगा दो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका फायदा तो होना चाहिए, ऐसे ऐसे आयोजन हुए हैं जिनका जमीन पर कभी कोई फायदा नहीं मिला, उससे क्या लेना देना है, अब यदि सरकार चेत रही है तो हमें लगता है सबको इसको समर्थन करना चाहिए कि हाँ बिल्कुल फिजूल खर्ची ना हो, और फिजूल खर्ची केवल ये नहीं कि आयोजनों में या दिखाने के लिए, वो झलकनी चाहिए, हर जगह झलक सकती है, जो रिनोवेशन के काम 15 महीनों के बाद भी चल रहे हैं बंगलों पर, वो बंद हो जाएं, और कितना सारा, मैं तो कहता हूँ मैडम कि आप देखें कि पुराना वल्लभ भवन था, नए वल्लभ भवन की क्या जरूरत थी, उसमें काम चल ही रहा था, आप देखें कि 24 घंटे एसी चलते हैं, कितनी ऊर्जा बर्बाद हो रही, कितनी बिजली बर्बाद हो रही, कितना ओजोन परत को नुकसान हो रहा है, और बड़े बड़े हाल खाली पड़े रहते हैं, मैं जब भी जाता हूँ तो देखता हूँ पूरी बिल्डिंग में इतना पैसा लगाया गया करोड़ों रुपये और वो खाली एसी चलते रहते, तो बात उसी काम में भी हो जाती, उसी प्लेटफॉर्म पर भी हो सकता था, तो एक तरह से आप जो जरूरतमंद के काम है उन पर लागत लगाइए, एक तरफ आप देखेंगे कि स्कूल नहीं है पेड़ के नीचे, आज ही मैं किसी पेपर में अखबार में देखा तो बरगद के नीच की पेड़ के नीचे पाठशाला लग रही है, कहीं पंचायत भवन नहीं है, कहीं ऑफिस नहीं, तो आप एक तरफ वो है जो नौनहाल जो भविष्य भारत का, उसको पढ़ने के लिए स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, और दूसरी तरफ आप एसी पे एसी बनाए जा रहे हैं, हर कार्यालय में पिछले सालों में रिनोवेशन के कार्य हुए, तो ये क्या है, आप जब तक मुखिया मुखसो चाहिए जैसा नहीं मिलेगा, जो ये समझे कि जो परिवार को हम कैसे चलाते हैं कि कम खर्चे में कैसे, क्या कहेंगे डॉक्टर राम पांडे, देवदत्त दुबे जी ने कहा कि एक तरफ होती है वहाँ पे ऐसा काम किया जाता है, अभी हम लोग भी एसी में बैठ के यहाँ डिबेट कर रहे हैं, तो जो जरूरत के हिसाब से जितना होता है किया जाता है, जैसा कि बेरोजगारी के बारे में बोला, देश की बेरोजगारी 7.5% है और मध्य प्रदेश की बेरोजगारी 3.5% है, और हम आते हैं आईफा, आईफा एक ऐसा अवार्ड है जो विश्व प्रसिद्ध अवार्ड है, जो अभी तक दुनिया के विभिन्न विभिन्न देशों में हुआ है और हिंदुस्तान में बॉम्बे के अलावा दूसरी बार इंदौर में हो रहा है, इस आईफा अवार्ड से हमारा देश प्रदेश का नाम पूरे दुनिया में होगा, पूरे दुनिया का मीडिया प्रदेश में आएगा और प्रदेश के हर जिले में जाएगा, हर कोने कोने में जाएगा, और जिससे मध्य प्रदेश का टूरिज्म बढ़ेगा, मध्य प्रदेश को रोजगार बढ़ेगा, फिल्मों की शूटिंग होगी, यहाँ के लोगों को काम मिलेगा और यहाँ के लोग भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर बनेंगे, तो आईफा अवार्ड से कितना बड़ा फायदा मध्य प्रदेश को होने जा रहा है ये आप नहीं सोच सकते, और ये लोग बार बार आरोप लगाते हैं हवाई जहाज खरीदने का, हवाई जहाज खरीदने का, 18 साल पहले मध्य प्रदेश सरकार ने हवाई जहाज खरीदा था प्रदेश सरकार के लिए, 18 साल में हमारी कार खराब हो जाती है रोड पर चलने वाली, तो 18 साल पुराने हेलीकॉप्टर में यदि देश का मुख्यमंत्री या कोई भी घूमेगा तो ऊपर उड़ने में कितनी ज्यादा रिस्क है ये इनको समझना चाहिए, और वो हेलीकॉप्टर अभी तक लिया नहीं है और एक साल से ये चिल्ला रहे हैं कि ले लिया लेने जा रहे हैं, तो तीसरा ये कह रहे हैं मंत्री,
टोटल मंत्री 28 हैं, जो भी पेंट वेंट का काम होना था ये नल टोटी उखाड़ के ले गए थे, तो उतना काम करना जरूरी था, केवल 28 मंत्री है, और 28 मंत्रियों के पेंट में कितना खर्चा होगा, और 15 महीने बाद क्या पेंट ही करते रहेंगे, तो वो मंत्री रहेंगे कहां? तो ये सरासर मंत्रियों के बंगले का झूठा आरोप लगाते हैं, तो झूठ बोलने में ये लोग बड़े एक्सपर्ट है। आप सोचो ना, केजरीवाल को आतंकवादी बोल देते हैं, जिसको ये वोट नहीं बोलते हैं गद्दार हिंदू बोल देते हैं, देशद्रोही बोल देते हैं, तो ये शब्दों को गढ़ने में ये लोग माहिर हैं, इसलिए इनकी बातों पर ना जाएं। और फिजूल खर्ची रोकने का जिस तरह कहा गया जा रहा है, उसका हर आदमी सरकारी जो आयोजन है वो होटल वगैरह में नहीं किए जा रहे हैं। अभी भी राइट टू वाटर एक्ट का भी होटल में आयोजन नहीं हुआ है, सरकारी बिल्डिंग मिंटो हॉल में हुआ है। ठीक है, हमारी सरकार का 15 साल में कोई भी कार्यक्रम 5 स्टार या बड़े होटल में नहीं हुआ। इवन मुख्यमंत्री जी ने जो शपथ ली थी वो भी जमहूरी मैदान में ली थी, कांग्रेस पार्टी के खर्चे पर ली थी। आज तक हमारी पार्टी का 15 महीने में कोई भी आयोजन सरकारी खर्चे पर नहीं हुआ है, और शिवराज सरकार के 15 साल में हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम सरकारी खर्चे पर होता था। ये बहुत बड़ा अंतर है, और बगैर विज्ञापन के इनका कोई काम नहीं होता था, ऐसा कोई दिन नहीं होता था जो विज्ञापन नहीं दिए जाते थे। यहां तक कि 250 फर्जी वेबसाइट तक को ये विज्ञापन देते थे, और वो पैसा घूम फिर के कहां आता था ये सब लोग जानते हैं। क्या कहेंगे मनीष जी, नर्मदा यात्रा, और जैसा कि अभी मैंने प्रधानमंत्री का महासम्मेलन में सम्मिलित होने का जिक्र किया, और सिंहस्थ, बहुत सारे ऐसे जिनमें काफी करोड़ों रुपए खर्च हुए प्रदेश सरकार के, उसको लेकर यहाँ तक कि शौचालय घोटाला कर दिया, प्रधानमंत्री की शौचालय घोटाला थी उसका भी 5.5 करोड़ जो मंत्रियों के लिए बंगले की रंगाई पुताई, तो इनका कहना है कि यार टोटी नल सभी गायब थे, तो कम से कम सहूलियत तो होगी ना, जरूरत की चीजें तो करनी पड़े, मुहैया करानी पड़ेगी। देखिए प्रवीण जी, वास्तविकता झुठलाई नहीं जा सकती है। आज 15 माह हो गए, यदि ये सब घोटाले थे तो इनकी सरकार पकड़ पाएगा, ये प्रमाणित कर पाएगा? अरे केवल काल्पनिक बातें करते हैं, काल्पनिक आरोप है। पेपर पढ़ा करो, अखबार पढ़ा करो, ये काल्पनिक आरोप है। आज भी लोग रोज जेल में जा रहे हैं, ये काल्पनिक आरोप जो कांग्रेस सदा से लगाती आई। आपका मंत्री जेल में था लक्ष्मीकांत शर्मा, सदा ये आपने डाला था क्या उनको जेल में? आपने हमारी सरकार, आपने भाई आपने क्या करा? राम पांडे जी, मेरे को चुप हूँ, केंद्रित रहने दीजिएगा, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया। ये आपकी समस्या है ना, बीच में टांग लगा रही थी जी। बोलिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस सफाई से कांग्रेस के प्रवक्ताओं को झूठ सिखाया जाता है कि हमें कैसे बचना है, उसकी बांगी मध्य प्रदेश की जनता भली भांति जान चुकी है। इन 15 माह में आपका चेहरा जनता जान चुकी है, पहचान चुकी है कि आप कुछ भी करने वाले नहीं है। क्यों? कि आप उस दल से नाता रखते हैं जिसमें इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ योजना, राजीव गांधी गरीबी हटाओ योजना, उन दोनों की तो गरीबी हट गई पर जनता की 70 साल बाद भी गरीबी नहीं हटी है। आप उस दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, वर्तमान में बात करेंगे, वर्तमान में बात करो, वर्तमान में बात करो। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड में आप कटौती कर रहे हो उनके ब्याज की, इससे बहुत दुर्भाग्य की बात। अरे ये अभी आप, यही तो दुर्भाग्य है कि आपको पता नहीं है। अरे आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है, यही तो हम कह रहे हैं कि आप कहाँ के, आप कहाँ से प्रशिक्षण लेके आ रहे हो, आप कहाँ से प्रशिक्षण लेके आ रहे हो, आपको यही पता नहीं है। जब आपको कर्मचारियों की माली हालत पता नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं है। दूसरा एक दुर्भाग्यपूर्ण बात, मध्य प्रदेश में सेना सैनिकों के शौर्य का एक स्मारक बनता है, वहां पर भी इन्होंने डाका डाल दिया। आप जाके शौर्य स्मारक की हालत देखिए, तनख्वाह नहीं दे रहे आप, तीन अरे ये आप काल्पनिक बातें अपनी बात रखो, ये आपके कांग्रेस के म्यूजियम में इस तरह की बातें कांग्रेस के म्यूजियम में शोभा देती है। आप राजनीतिक पटल पे आप अपने क्षेत्र में बात करो, जनता भली भांति जानती है। चलिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि मध्य प्रदेश का शौर्य स्मारक, जहां वीरों की गाथा दिखाई देती थी, ये अपने नेताओं की गाथा वहां बखान कर रहे हैं, वहां पे भी बजट में कटौती की है। ये कैसा परिवर्तन है, ये कैसा बदलाव है, ये कैसा बदलाव है? 20 जनवरी बड़े दुर्भाग्य की बात है। हर कॉलेज में मध्य प्रदेश के में, मध्य प्रदेश सरकार ने कितना सम्मान करते हैं आप देखिए, हर कॉलेज में महात्मा गांधी की मूर्ति लगा दी 30 जनवरी केवल लूट कॉलेज में आप जाते हैं, एकमात्र विषय इनका बचा है केवल लूट। कैसे हम जनता का शोषण करें, कैसे हम योजनाओं का पलीता लगाएं, कैसे हम मध्य प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन पर डाका डालें, इसके सबसे बड़ी वांगिया मैं आपको बताता हूँ।
कि मध्य प्रदेश में एक कमेटी का गठन करते हैं जिसमें संपूर्ण विभागों का समावेश करते हैं। चलिए मॉनिटर के नाम पे, मॉनिटरिंग के नाम पे, समय की कमी है, ये मॉनिटरिंग के नाम से डाटा डालने वाले इनकी नियत पर चर्चा से भटक चुके हैं। हम दूसरे तरफ चले गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार जो कवायद कर रही है, जो फिजूल खर्च पर रोक लगाने की बात कर रही है, उसे मुझे लगता है विपक्ष को भी उस बात की सराहना करनी चाहिए। और जिस तरह मध्य प्रदेश की जनता को जो उम्मीदें हैं सरकार से, उसको किस तरह पूरी करेगी, इसकी कवायद सीएम कमलनाथ ने तेज की है, जिसको लेकर मुझे लगता है सत्ता और विपक्ष दोनों को ही उस जो कदम है उनका, उसकी सराहना करना चाहिए। और क्योंकि जाहिर है मध्य प्रदेश की जनता को बहुत सारी उनकी ज़रूरतें हैं जिसको पूरा करना भी सरकार का फर्ज बनता है, उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है। चलिए, आप तीनों का हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें आप देखते रहें देनर पर। मुझे दीजिए इजाज़त।